गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके स्मार्ट मीटर में बैलेंस ख़त्म हो गया और उसके बाद आपने रिचार्ज किया, रिचार्ज करने के बाद भी आपके सिर्फ मीटर में करंट दिखा रहा है, बिजली आ रहा है, उसके बाद घर में सप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो आप कैसे ठीक कर पाएंगे, इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे यहाँ पर -34 रुपीज़ यहाँ पर हो चुका है, यानी कि मेरा जो स्मार्ट मीटर है इतना रुपया माइनस हो चुका है। और उसके बाद मैंने रिचार्ज किया, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे मैंने रिचार्ज किया तो यहां पर 183 रुपीज़ प्लस हो चुका है। फिर भी क्या हुआ है कि मेरे स्मार्ट मीटर जो है वहां पर करंट शो हो रहा है, लेकिन घर में सप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि मीटर से जो करंट है वो घर में नहीं आ रहा है, बोर्ड में नहीं आ रहा है, हम बिजली नहीं जला सकते हैं। तो आपको मैं आपको यहाँ पर मीटर में भी दिखा दूँगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं मीटर में करंट यहाँ पर अभी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ से सप्लाई नहीं हो रहा है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स में वही बताने वाला। तो अगर आपका भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो वीडियो को स्किप किए बिना तक देखते रहे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके स्मार्ट मीटर में रिचार्ज खत्म हो गया, उसके बाद करंट काट गया है, और उसके बाद आपने रिचार्ज किया, फिर भी आपके स्मार्ट मीटर में करंट आ रहा है, लेकिन घर में सप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो आपको कैसे इसको एक्टिव करना है, यानी कि रिचार्ज तो हो चुका है फिर भी आपके घर में करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसको आपको कैसे ठीक करना है वो बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सभी स्टेप्स मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो माई बिजली ऐप्स है इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस तो हो रहा है बैलेंस, लेकिन घर में करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बिजली काट गया था माइनस बैलेंस माइनस होने की वजह से, लेकिन अभी तो रिचार्ज कर दिया लेकिन नहीं आ रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको ओपन करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, और उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब, और यहाँ पर कॉल का सिंबल है, तो आपको सिंपली यहीं पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 1912 ये नंबर यहाँ पर आ जाता है, तो आपको यहाँ पर इसको कॉल कर लेना है। और जैसे कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर इसको बात करना है, बात करके आपको बोलना है कि मैंने रिचार्ज कर दिया था, रिचार्ज करने के बाद भी यहाँ पर प्लस दिखा रहा है, यानी कि जो बैलेंस है वो आ चुका है, लेकिन मीटर से करंट सप्लाई नहीं हो रहा है। तो आपको कस्टमर केयर को आपको बोलना पड़ेगा, जैसे बोलेंगे तो उसके बाद आपका जो कंप्लेन है वो रजिस्टर करेगा, तो उसके बाद आपके स्मार्ट मीटर से जो करंट वहां पर स्मार्ट मीटर में शो कर रहा है, वहाँ से आपके घर में भी करंट सप्लाई हो जाएगा। जैसे आप कॉल करेंगे उसके 1 या 2 घंटे लग जाएगा, कभी कभी तो तुरंत ही हो जाता है, तो उसके बाद ही आपके घर में करंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।